नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। जस्ट एमी रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले मसाला भिंडी फ्राई। मसाला भिंडी फ्राई अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। हम यहाँ पे एक डिफरेंट स्टाइल से बनाने वाले हैं। आज हम जो मसाला भिंडी फ्राई बनाने वाले हैं वो शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। शुरू करते हैं फिर हम मसाला भिंडी फ्राई की रेसिपी। ये देखिए, हमने यहाँ पे आधा केजी भिंडी ली है, उसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, उसके बाद हमने इसे ड्राई कर लिया है। हम अभी इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने वेजिटेबल कटर लिया है, ये हमें बहुत ही पसंद है। अब हम भिंडी को कट कर लेंगे। ये जो आगे का पार्ट है इसे हम निकाल के फेंक देंगे और इसके अभी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जो पीछे का पार्ट है उसको भी हम निकाल के फेंक देंगे। इसी तरह से हम बाकी भिंडी को कट कर लेंगे। छोटे छोटे हिस्सों में हमने सभी भिंडी को कट कर लिया है। यहाँ पे हमने पैन लिया है, इसमें हम अभी एक टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे, इसमें हम अभी मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। अब हम इसमें ओनियन डालेंगे, एक कटा हुआ, इसे हम अभी मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अभी नमक डालेंगे, एक आधी छोटी चम्मच। नमक डालने से ओनियन जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमारे ओनियन फ्राई हो चुके हैं। हम इसमें अभी एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे हम आधी चम्मच, ये चाट मसाला हम डालेंगे एक चम्मच। इसे हम अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसमें हम अभी ये पीनट पाउडर डालेंगे आधा कप। इसे हम अभी अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हमारी कटी हुई जो भिंडी है वो हम इसमें डाल देंगे। भिंडी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे 5 मिनट के लिए बस छोड़ देंगे पकने के लिए। इसके ऊपर हम ढक्कन नहीं रखेंगे, ढकने से भिंडी चिपचिपी बन जाती है। ये देखिए, हमारा मसाला भिंडी फ्राई बन चुका है और ये बहुत ही खुला खुला, बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है। इसे हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। हम अभी इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने मसाला भिंडी फ्राई को एक बाउल में निकाल लिया है। इसके ऊपर हम अभी हरी धनिया डालेंगे। तो हमारा ये मसाले भिंडी फ्राई बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। प्यार से बनाइएगा, प्यार से खिलाइएगा। मेरी रेसिपी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल का बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियो का आपको अपडेट तुरंत मिल सके। मिलते ही फिर ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।